हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑरोबिंदो फार्मा के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको ऑरोबिंदो फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑरोबिंदो फार्मा के नतीजे एकदम सुपर क्लास निकल कर आए। ये देखिए, 317% का ग्रोथ यहाँ पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। मतलब इसका प्रॉफिट जो है वो 3 गुना हो गया है अगर पिछले साल के Q3 से कंपेयर करें तो। ये देखिए आप, 2,946.32 करोड़ का यहाँ पर इसको मुनाफा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर इसके जो नतीजे एकदम टॉप क्लास, मतलब टॉप क्लास से भी ऊपर यहाँ पर इसके जो नतीजे हैं वो निकल कर आए हैं। अब ये देखिए, अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये देखिए, लगभग 9.5% का इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया है 6,353.13 करोड़ का। तो देखिए, इसका इतना बढ़िया रेवेन्यू अभी इसका इतना नहीं बढ़ा, लगभग 10% ही बढ़ा है, तो इसका प्रॉफिट इतना बढ़ गया। तो रीज़न यही है, इसके प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एक अच्छे खासे हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। अब देखिए, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑरोबिंदो फार्मा ने एक शेयर के ऊपर 1.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब देखिए, 950,000 रुपये का शेयर है, तो देखा जाए 1.5 रुपये के डिविडेंड से होता भी कुछ नहीं है, लेकिन इसने डिक्लेयर किया तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखिए आप, सेक्टर का पी देखिए 42 का मिल रहा है, कितने पे आपको 19.85 पे, आधे वैल्यूएशन पे पिछले साल की अर्निंग के मुकाबले मिल रहा है और इस साल अर्निंग 3 गुना हो गई है। तो देखा जाए तो अभी इसका जो फॉरवर्ड पी निकल कर आता है मार्च 2021 के बाद का, तो वो सिर्फ 10 का निकल कर आता है। तो फार्मा कंपनीज के अंदर सेक्टर के मुकाबले देखा जाए तो खासा अंडर वैल्यूड ये शेयर अभी है। और इसका प्राइस टू बुक देखिए आप, सेक्टर में 5.08 है और आपको मिल रहा है ये 3.34 पे, मतलब प्राइस टू बुक में डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग में डिस्काउंट भी मिल रहा है और अर्निंग भी एकदम तगड़ी निकल कर आई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये शेयर फार्मा कंपनीज के अंदर बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। एक ये शेयर है जो इतना अंडर वैल्यूड है और एक एस्ट्राजेनिका फार्मा है जो इतना अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है, फिर भी लोगों को खरीदना है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं कि धंधा अच्छा नहीं चल रहा, पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यू पे आप नज़र डालिए, पिछले 4 साल से लगातार इसके जिस तरीके से रेवेन्यू इसके बढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि धंधा हर साल टॉप क्लास होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2019 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी आई है। देखिए, पिछले साल इसने 2830 करोड़ का मुनाफा पूरे साल में कमाया था और इस बार तो 2900 करोड़ का मुनाफा इसने एक ही क्वार्टर में दे दिया है। तो देखा जाए तो बहुत ही तगड़े इसने रिजल्ट दिए हैं अभी। मेरे ख्याल से तो कल इसमें एक भयंकर तेजी आपको इसमें देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये देखिए, 967 का ये शेयर है, इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1023 का, मतलब सिर्फ 56 रुपीज़ ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो सिर्फ 5-6% अपने ऑल टाइम हाई से ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके इतने बढ़िया नतीजे आए हैं तो कल अगर इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से कल ही आपको अपना ऑल टाइम हाई काटता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जरूर इसमें बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत ही बढ़िया अंडर वैल्यूएशन पे ये शेयर अभी चल रहा है। कम से कम आप इसको 5-10 साल के लिए होल्ड कीजिए, 5-10 साल नहीं, आप अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से ये शेयर आपके लिए मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका धंधा बढ़ रहा है, हर साल इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो देखा जाए तो कंपनी अभी टॉप क्लास नजर आ रही है। अगर कल इसके अंदर ऑपरेटर नहीं फंसाता है तो इसके अंदर आपको कल आराम से 1050 के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको अब इसके अंदर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं, तो देखिए मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस भी इसका अच्छा है, और अगर कल ये 1050 रुपये के लगभग भी चला जाता है तो भी मैं यही बोलूँगा कि वो भी ओवर वैल्यूड नहीं होगा, आप उस पर भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो प्राइस भी इसकी सही है, तो मेरे ख्याल से आप इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट प्राइस भी इसका अच्छा है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो मैं होप करता हूँ कि ऑरोबिंदो फार्मा के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।